हमारी या रेफरेंस चल रहे हैं आप सबके नाम डाल दें किसी को, अगर है जनरल में इतनी करेज तो डाले नाम प्राइम मिनिस्टर का, अगर पैनामा केस में पूरे प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है तो सबके नाम इसी में डाले जाए, क्यों नहीं डालते? अपने सिंध हुकूमत ने कोई इसमें किरदार अदा करना होता और किसी को बचाना तो वो कराची उतारते होंगे, हम उसको निकाल भी सकते थे एयरपोर्ट से, कुछ भी कर सकते थे। केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो भरे करते रहे, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो नैब कर रही है वो करना छोड़ दे, ये मेरी उनसे इस्तदा है और हुकूमत वक्त से भी इस्तदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को और उनकी लीडरशिप के खिलाफ जो झूठे मुकदमात क्या खत्म नहीं कर रहे वो खत्म किए जाए। इन लोगों ने जिस तरह से टूटा सिंध को और कराची को और जब वफाकी हुकूमत की पूरे पाकिस्तान को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके ऊपर अरबों रुपए के इल्जाम थे, इन्हें चाहिए था ये फेस करते, ये भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़ज़ल। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में 19 साल के बाद होने वाली मर्दमशुमारी के तरीक़ाकार पर तहफ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया है और उसको सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनका मौकफ यह है कि इसमें शफाफियत को बरकरार नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानब वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके काफी सीनियर ओहदेदारान मेंबरान जो हैं वो करप्शन के इल्जामात में घिरे दिखाई देते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन सबसे बड़ा नासूर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से बात भी करती हैं और ये दावा करती भी दिखाई देती हैं। गुज़श्ता दिनों जब ऑपरेशन हुए, खुसूसन कराची में रेंजर्स ऑपरेशन हुआ, तो हमें बताया गया कि करप्शन का और दहशतगर्दी का किस तरीके से गठजोड़ है, कैसे नेक्सस है। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ लोग पकड़े भी जाते हैं, अदालतों में पेश भी होते हैं, लेकिन बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। बताया जाता है कि प्रोसिक्यूशन वीक थी, बताया जाता है कि अदम शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर इनको रिहा कर दिया गया है। यही किस्सा हमने देखा है। अभी शर्जील मेमन साहब आए हैं मुल्क में, वतन वापस आए हैं 2 साल के बाद, और ये कहते हैं कि नैब अफसरान ने जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो लैंड किए हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा कर लिया था। क्यों उनका ये मौकफ है? उनका मानना यह है कि जी उनके पास क्योंकि हिफाजती जमानत थी तो इसलिए उन्हें साथ उस अंदाज में नहीं लेकर जाया जा सकता था जैसे उनके साथ हफ्ते की रात को हुआ। बहरहाल आज वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए हैं और 5 अप्रैल तक उनकी जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर भी कर ली गई है। लेकिन इसके बाद हमने क्या देखा है, सिंध के वजीर आला, सिंध के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ये कहते हैं कि विफाक इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यहां से सिंध से विफाकी इदारों का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी मुतालबा कर रहे हैं नैब से तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा कि वो जो कार्रवाइयां हैं, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो शर्जील मेमन के खिलाफ किया जा रहा है, इसको फिलफौर बंद कर दिया जाए। आज के प्रोग्राम में हम देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि फिर करप्शन के हवाले से या इन इल्जामात के हवाले से बहुत बुलंदोबाला दावे क्यों किए जाते हैं, एक हाइप क्यों क्रिएट होती है। अगर वाकई में इन लोगों ने बाइज्जत बरी हो जाना होता है तो ये सारे का सारा ड्रामा जो है वो क्यों रचाया जाता है? क्या वाकई में किसी डील का नतीजा है शर्जील मेमन साहब का भी आना? और अब तो खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब भी वापस आने के लिए पड़तोल रहे हैं। क्या वाकई में कोई डील हुई है, अयान अली भी मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, या फिर इस मुल्क में एहतसाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा ख्वाब ही रहेगा? मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ करवा दूं, राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। पीपल्स पार्टी से डॉक्टर नफीसा शाह हमें थोड़ी देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगी। लाहौर में हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ नैब के हवाले से भी इनका तारुफ यह है कि नैब के डायरेक्टर भी रह चुके हैं 2009 तक। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हमारे साथ अयाज लतीफ पलेजो साहब भी मौजूद हैं जो कि प्रेजिडेंट हैं कौमी अवामी तहरीक के। पलेजो साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। राना साहब अगर इजाजत दें तो तजिया जरा ब्रिगेडियर साहब का पहले, और खासकर नैब के हवाले से, वैसे तो बड़ी बात होती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इस खास मौजू के हवाले से जो शर्जील मेमन साहब का एपिसोड है उसमें भी नैब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाई है,
आज फारूक एच नाइक भी इस्तदा कर रहे थे कि ये तमाम कार्रवाइयां विफाक के कहने पर जो हो रही हैं, जो चौधरी निसार साहब और उनकी कंपनी करा रही है, ये बंद कर दी जाए। क्या लग रहा है आपको, ये सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है और शर्जील मेमन की वतन वापसी को भी कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया सादिया साहब। पहली बात तो यह है कि ये जो स्लोगन है ना, पॉलिटिकल स्लोगन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये घिसेपटा पुराना स्लोगन है। सब लोगों को पता है कि जो भी पार्टी अपना जब उनके खिलाफ केसेस होते हैं तो वो अपनी आवाम की सिंपथी लेने के लिए ये उनका एक तरीका है उसको कहना कि जी हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। देखिए, जहां तक शर्जील मेमन साहब का ताल्लुक है, पहले तो एक बात आप समझ लें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें। आसिफ अली जरदारी साहब जब दिसंबर में आए, 22 दिसंबर को, तो कहा गया कि जनाब वो 27 को वापस चले जाएंगे, लेकिन मैंने उस वक्त कह दिया था कि जनाब उनको पूरा एक ग्रीन सिग्नल है, वो आए हैं, अब वो रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो है वो बदल रहे हैं। और यही वजह है कि उनके आने के बाद ग्राउंड तैयार की गई और आपने देखा कि इतना मुश्किल जो उनके लिए केस था यान अली का, वो हल हो गया, यान अली मुल्क से बाहर चले गई। उसके बाद जरदारी साहब भी अब यहाँ पे सेटल हो गए, बल्कि सेटल क्या, वो तो अब एक प्रोग्राम का एज एन एनालिस्ट भी उन्होंने आना शुरू कर दिया। उसके बाद देखे कि शर्जील मेमन साहब वापस आते हैं, और आपने सही कहा, मैं भी ये एसेस कर रहा हूं कि टप्पी साहब भी अब कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, और मंजूर काका साहब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इनके फ्रंट मैन थे, इनको पकड़ा गया था, वो भी वापस आएंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली, वो कहते हैं ना जो मिलिट्री रूलर्स हैं, तो वैसे ब्रिगेडियर साहब ये जो आपने भी बात की है कि जरदारी साहब वो बयान सबने सुना था, वो जिसमें ईंट से ईंट बजाने का दावा करके गए थे, बात करके गए थे, आपने कहा कि किसी वो ग्रीन सिग्नल कहीं से, तो वो ग्रीन सिग्नल फिर उन्हें कहां से मिला कि जिसके बाद ये तमाम डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के हवाले से हमें नजर आ रही है? देखिए जी, मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, जारी बात है सबकी रजामंदी के साथ ही अपना जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आए ना, तो ये तो उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्द डॉक्टर आसिम जिनका केस जो है वो रिजर्व्ड है मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेरा ख्याल उनको जो है उनको भी बेल मिल जाएगी। तो अच्छा, शर्जील मेमन साहब के केस में ये बिल्कुल नैब का बनता था ये फर्ज कि उनको मालूम होना चाहिए था कि भाई 22-20 मार्च तक इस्लामाबाद अकाउंट अपना हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दी हुई है। पता नहीं उनको क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट पे जाकर उनको 2 घंटे के लिए उन्होंने डिटेंशन में, ठीक है, यानी वो चीज भी गलत हुई जो हुआ, अगर उनके पास हिफाजती जमानत मौजूद थी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, फिर कौन दे रहा है वापस आए पीपल्स पार्टी के, फिर लोगों पे इल्जाम के हवाले से सिलसिला शर्जील मेमन साहब के साथ में, ब्रिगेड साहब जरा जवाब ले लूं राणा साहब से, फिर आपकी इम्पोर्टेंट बात मैं कह दूं। जी जी फरमा दीजिए, मुकम्मल कर लीजिए जुमला। कि जहां शर्जील मेमन साहब ने बात सही की है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा कि नैप का कानून जो है वो सिंध के लिए और पंजाब के लिए अलहदा नहीं होना चाहिए, कानून एक ही है पूरे पाकिस्तान के लिए नैप का। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मुझे उसमें बदनीयती नजर आती है। व्हाई ओनली सिंध, बिल्कुल पंजाब में आप मुझे बताएं। ठीक है, शर्जील मेमन साहब की हिफाजती जमानत थी वो भी, और इस हद तक आप सपोर्ट करते हैं कि सिंध और पंजाब के लिए मुख्तलिफ कानून क्यों है नैप का? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर राणा साहब से इस हवाले से बात करेंगे, पलेजो साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर नफीसा शाह भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदी। डॉक्टर नफीसा शाह सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राणा साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एक तो जो डील का नतीजा है वापसी एक एक करके सबकी हो रही है, अयान अली का जिक्र हुआ कि जी वो भी मुल्क से बाहर चली गई, और दूसरा ये जो बारहा बात की जाती है जो शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि भाई उनके पास तो हिफाजती जमानत थी तो उनको क्यों अगवा किया गया, जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, गिरफ्तार नहीं किया गया, और नैब के कवानीन आप लोगों के लिए और इनके लिए फर्क क्यों? देखिये, पहली बात तो शर्जील मेमन साहब के पास अगर हिफाजती जमानत थी तो किसी ने उस जमानत को देखना था, जो जिन एजेंसी तक अगर वो जो उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर से करोड़ों रुपए निकले थे उस वक्त तो वो अदालत में नहीं गए, वो उसके ऊपर भी जमानत लेते। तो मैं समझता हूँ कि जब उनकी हिफाजती जमानत उन्होंने देख ली तो उनको दुबई में थे ना ऑलरेडी, बहरहाल कोई उनको बंदोबस्त करना चाहिए था, अनाउंस करते कि मेरी ये जमानत है। तो आपको क्या लग रहा है 2 साल के बाद जो वापसी हो रही है वो जो डील से उनकी वापसी की वजह जमानत ही होगी कि उनको जमानत मिल गई, उनके पास टाइम है, अब अपना केस उनके वकला ने उनको गाइड किया होगा। जहां तक नैब के कवानीन का है कि जी पंजाब में उनकी
وہ نہیں ہے تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جن جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی کورٹ میں چل جائیں. نیب واقعی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. بالکل ہے. نیب از ناٹ پی ایم ایل این. جو وہاں کے چیئرمین ہیں وہ ان کے انہوں نے بھی لگائے, پیپلز پارٹی نے, ہم نے بھی اگر ان کو لگایا تو ہم دونوں گناہگار ہیں ان کو لگانے میں. اگر وہ برے آدمی ہیں تو ان کے خلاف کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. نیب از ناٹ پی ایم ایل این. نیب از ناٹ پی ایم ایل این. ہم ان کی نیب کی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں. پارٹی کو اور سندھ گورنمنٹ کو اور سندھ جیسے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو ہم وفاقی اداروں کا سندھ سے بوریا بستر گول کر دیں گے. دیکھیں یہ پالیٹکس ہے, یہ بیان بازی ہے, یہ اپنے آپ کو چھپانے کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے ایک میچور اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ اگر ان کو سپریم کورٹ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے. اگر چیف منسٹر سندھ کو یہ نہیں پتا کہ چیف منسٹر وہ سپریم کورٹ میں نیب کے خلاف جا سکتے ہیں, ان کو ایک پاکستان کی اداروں کے اوپر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے ایکشن لے. اچھا اس سے ان سے پاورفل آدمی کون ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو پھر کیوں لگ رہا ہے کہ اس وقت وفاقی ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اتر آئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں آپ بتائیں, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں تو اپنی دیکھیے پہلے تو انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے پی ایم ایل این کے ماتحت نہیں ہے. پی ایم ایل این کے ماتحت نہیں, پی ایم ایل این کے غلام ہے. غلام تو یہی ہے جو ان کا اپروچ ہے. دیکھیں اب اگر سندھ میں آپ حالت دیکھیں, میں بتاتی ہوں کہ میرے حلقے میں کوئی ایسا دفتر نہیں ہے جہاں نیب نہیں گھسا ہوا. کوئی ایسا پیپر نہیں ہے جو ان کے ہاتھ ٹوٹلی انہوں نے آبسٹرکٹ کیے ہوئے ہر کام. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑے ہائی ہائی پروفائل کیسز اور کرپشن کے کیسز نکل کے آئے. ایویڈنس ہے نندی پور آپ کا پورا ریکارڈ جلا دیا. کیوں جلا؟ نیب نے کوئی ایک سوال اس کے اوپر نہیں پوچھا. میٹرو جو کاسٹ آپ کراچی میں اس وقت آپ کمپیئر کریں 14 ارب میں جو پروجیکٹ بن رہا ہے, یہاں 50-60 ارب میں کیسے بنا؟ وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ جلا دیا گیا. ابھی پریمیئر کا سکینڈل آیا ہے کہ 2 ارب روپے 8,000 فی گھنٹہ جہاز انہوں نے سری لنکا سے لیے اور اتنا ان کو خسارہ ہوا, لاس ہوا, وہ واپس بھی ان کے خلاف. یعنی کوئی کیوں نیب کو کیوں نہیں یہ چیزیں نظر آتی؟ اور یہ چھوٹی کرپشن نہیں ہے, یہ میگا کرپشن ہے. آپ کا سرکولر ڈیٹ 450 بلین تک آ گیا ہے. لیکن وہ جو بتا رہی ہیں میں نے نہیں سنا 2 بلین روپیز بتایا گیا تھا جو خبریں آئی تھیں جو کیش ملا ان کے گھر سے. میں کچھ نہیں ڈینائی کرتی. شرجیل میمن آیا ہے, ہی از فیسنگ دا کورٹس. وہ آپ تو الطاف حسین کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فراری ہے, واپس نہیں آ رہا. یہ ایک شخص واپس آیا نا ملک میں. اس ملک میں کتنی ایجنسیاں ہیں, کتنے قوانین ہیں, نیب ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ اس کو ہی از کم ٹو فیس دا لا. اچھا تو پھر مجھے یہ بتائیں, اور یہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این جو اپنے آپ کو بالکل صاف ستھری دھلی ہوئی جماعت کرپشن کے خلاف, کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑے, لیکن ایکشن کہاں ہے؟ پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ پروونشل. آپ کو ظاہر ہے کہ وفاقی ادارے آپ لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی پلیجو صاحب, یہ جو نفیسہ صاحبہ نے بات کی, اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ خود واپس آ گئے 2 سال کے بعد ہی چلیں صحیح, لیکن وہ قانون کو فیس کریں گے, عدالتوں میں چلے گئے ہیں اور 5 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات کے باوجود وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کا یہ کہنا بجا ہے کہ ہمارے خلاف ہی کاروائی ہوتی ہے, ہمارا تو جیالہ ہے, واپس آ گیا. ساتھی اس بات کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بحث ایک وکیل کے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی اریسٹ کیا جائے, جس کے خلاف بھی کاروائی ہو, کرمنل پروسیجر کوڈ کی تمام شعبوں پر عمل ہو, آئین پاکستان کے آرٹیکل 4, 9, 14, 10, 10A, 25 وغیرہ پہ عمل ہو, اور کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے, کورٹوں کا احترام کیا جائے اپنی جگہ. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور پی ایم ایل این جب ٹاک شوز میں بیٹھتی ہے تو ایک دوسرے کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے, مگر اپنے بارے میں وہ کوئی ایڈمیشن نہیں کرتے. یہ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ نندی پور ہو یا دوسرے پریمیئر ہو یا جہازوں کی ہو یا اسٹیل مل ہو یا ریلوے ہو, پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی شکایتیں ہوں گی, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوں گی. مگر میں جو ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے سوچوں تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں کچرا صاف ہو یا میرے علاقے میں اسکول پہ چھاپا پڑے, تعلیم بحال ہو, میری ہاسپٹل پہ ریڈ ہو تاکہ ویکسینس اور میڈیسنس اویلیبل ہو. مجھے کیا اعتراض ہے کہ میں کہوں کہ میری ہاسپٹل پہ چھاپا مار کے دوائیاں کیوں چیک کر رہے ہو, پہلے گجرا والا جا کے چیک کرو, ایک بات. دوسری
दूसरी बात ये कि ये जो हम सिंध कार्ड खेलते हैं कि करप्शन पे हम मैदान में आ जाते हैं, ईंट से ईंट बजाते हैं, अनवर मजीद पे छापे पर, निसार मोराई पे छापे पर, आसिम के बचाव के लिए, आयान अली के बचाव के लिए हम कभी ईंट से ईंट बजाते हैं, कभी बोरिया बिस्तर लपेटवाते हैं, आखिर थर के हवाले से हमने वफाक से कभी एतराज क्यों नहीं किया कि वहां कोई प्रोजेक्ट लगे, सिंध के हिस्से के पानी के लिए हम क्यों नहीं इतना जान लड़ा के मैदान में उतरते, गैस और पेट्रोल और थर के कोल के लिए क्यों नहीं उतरते, सिंध के ड्यूज शेयर के लिए एनएफसी में क्यों नहीं उतरते, हम हमेशा तलवार लेके फकत करप्ट लोगों के दफा के लिए पीपुल्स पार्टी की क्यादत क्यों उतरती है मैदान में। तीसरी बात, तीसरा पहलू इसका यह है कि हम ये कहते हैं कि वफाक हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान की तमाम नैब हमारे खिलाफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि सिंध में तालीम का सत्यानाश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि सिंध में पीने का जहरीला पानी सिंध के लोगों को पिलाया जा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि डिपुटेशन पे आप करप्ट लोगों को रख रहे हैं, पाकिस्तान के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी सिंध के हवाले से झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रही है, खुदा न खास्ता अदालतें भी और नैब भी। मैं तो समझता हूं आप कह रहे हैं कि नैब कोई शायद अपने तजावज कर रहा है अपने अख्तियारात से, मैं समझता हूं सॉरी टू से कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक पेज पे, कोई नया एनआरओ हो चुका है उसकी वजह से जरदारी साहब तशरीफ लाए, मंजूर काका भी आ जाएंगे, तमाम लोग आ जाएंगे, तो यानी वो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, एनआरओ हो गया, जरदारी साहब भी वापस आ गए, शर्जील मेमन भी आ गए, डॉक्टर आसिम का भी कुछ नहीं बन रहा, आयान अली भी मुल्क से बाहर चली गई, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब के हवाले से भी खबरें कि जी वो भी वतन वापस आने का सोच रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि एनआरओ हो गया है पीपल्स पार्टी के दरमियान और पीएमएलएन के दरमियान। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती के तौर पर एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, चार दिन के बाद तमाम लोग आजाद हो जाएंगे, बेल पे चले जाएंगे, अगर कोई गिरफ्तार होगा तो एयर कंडीशन हॉस्पिटल के रूम में बैठा होगा, जरदारी साहब दुबई से आते हुए सेवन नहीं जाएंगे, सीधे आसिम साहब के पहुंचेंगे, ये तमाम इनकी अरेंजमेंट हो चुकी है, दिखावे के लिए आखिरी साल भर ही आपस में इस तरह करेंगे, आखिर में आके ये एक दूसरे के साथ बैठकर ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। बुनियादी सवाल जो फिर इंट्रो में उठाया था वो वहीं का वहीं रह जाता है कि फिर आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, यहां पर अगर कोई गरीब का बच्चा किसी तंदूर से रोटी भी चोरी कर ले तो उसको थाने में डाल दिया जाता है, तो ये जो एहतसाब का ख्वाब है या नारा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी रियासत का, ये सिर्फ नारा ही रहेगा अगर यहां पर कुछ नहीं होना, और जो कि अयाज लतीफ पलेजो साहब कह रहे हैं कि एक और एनआरओ हो गया है, तो फिर ये आवाम को ख्वाब क्यों दिखाए जाते हैं कि जी इस मुल्क में हर कोई अकाउंटेबल है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जिस तरीके से पलेजो साहब ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है, बहुत वसूख के साथ वो ये बात कर रहे हैं कि कोई एनआरओ हो चुका है दोनों सियासी जमातों के दरमियान, तो फिर छोड़ देते हैं करप्शन की बातें करना और यहां पर नारे लगाना और दावे करना कि नहीं जी हर कोई अकाउंटेबल है, कोई बच के नहीं जाएगा, तमाम लोग जो हैं वो कानून हरकत में सबके लिए बराबर आएगा, फिर हम ये क्यों बातें करते हैं अगर कानून सिर्फ गरीब और लाचार के लिए रहेगा इस मुल्क में। राजीव साहब, आप बिल्कुल सही फरमा दिए। देखें, बात यह है कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो कहते हैं ना पिटी द नेशन, जिसका लीगल और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ऐसा हो कि आप जो करप्ट एलीट है, पावरफुल लोगों को आप पनिश ना कर सकें, तो पिटी कर सकते हैं ना उस कौम को, हमारे साथ भी यही हालत है। देखें, जहां तक अभी बात हुई कि नैब इंडिपेंडेंट है या नहीं, मैं अपने मोहतरम राणा अफजल साहब से यह कहना चाहता हूं कि अगर नैब के चेयरमैन सही मानों में इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होते तो बिलीव में यह पनामा वाला केस कभी सुप्रीम कोर्ट में ना जाता और आईन और कानून के मुताबिक, अपने नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई वो करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज यह है, एनआरओ की आप बात करते हैं, जल मुशरफ का जो एनआरओ था, मैं कहता हूं इट वॉज अ ग्रेट बिट्रेल, डिस्पेकेबल एनआरओ था, लेकिन वो डिक्लेयर था। यहां जो एनआरओ हो रहा है ये अनडिक्लेयर्ड है, ये साइलेंट है, लेकिन इन ऑपरेशन में है। फिर बात ये की गई कि जनाब पीपल पीएमएलएन जो है ये नंदीपुर और ये तमाम रिकॉर्ड जल गया है, मेट्रो का, एलडीए का, बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है ये माहिर है रिकॉर्ड को जलाने में ताकि मामला चले ही ना, लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमने कई केसेस में देखा है पिछले चंद अरसे में कि ये इनके केसेस में रिकॉर्ड गायब हो जाता है। मिसाल के तौर पे एसटीएस कोटेकना केसेस में आप निकाल ले, नेट पे जाके पढ़ ले, जो ऑफिशियल खबरें आती रही है, ऑफिशियल रिकॉर्ड गायब हो गया तो वो जनाब बरी हो गए। आसिफ जरदारी साहब का जो एक लास्ट केस रह गया है रावलपिंडी काउंसिलिंग कोर्ट में, वुड यू बिलीव इट कि वो बैरिस्टर साहब जो है जो कि स्टार विटनेस समझे जाते हैं, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड सीज किया था जरदारी साहब का, वो साहब गायब हो गए हैं। और जैसे ही वो साहब गायब हुए
तो जनाब फारूक नायक साहब ने एक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो पुट अप कर दिए। मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कुछ हफ्ते बाद जरदारी साहब भी बाइज्जत वहां से बरी हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के बारे में मैं यहाँ पे दो मोहतरम हमारे लीडर कहते हैं माहिर है रिकॉर्ड गायब करने को और एक जो है रिकॉर्ड जलाने के मायने। एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जल मुशर्रफ को हम कंडेम करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मिलकर ये इंश्योर किया है कि पाकिस्तान में बड़ों का एहतसाब जो है उसको बिल्कुल न होने दी जाए, उसको फेल कराया जाए। ये दोनों जिम्मेदार है। और मैं लास्ट यहाँ ये बात कहूंगा कि डॉक्टर नफीसा शाह, अच्छा जो पीएमएलएन के हवाले से बात हुई है, ठीक है रिकॉर्ड जल गए और वो गायब करा देते हैं आप कह रहे हैं, लेकिन यहां पर वाकई में पीएम साहब के अपने बयानात देखे जाएं, जिस तरीके से नैब के हवाले से वो कहते आए हैं और ये कि जी काम नहीं करने देता, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, आपके बहुत सारे रहनुमाओं ने बयान दिए हैं, तो चाहते तो आप भी नहीं है हमारी जमात के भी किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। एक स्टेटमेंट आई थी कि आप लोगों को हैरेस ना करें ताकि वो काम अपना ना बंद कर दें, लेकिन अदर देन दैट कोई स्टेटमेंट नहीं लीडरशिप चाहिए। परवेज अभी ब्रिगेडियर साहब इसी तरह पगड़ियां उछाल रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब अभी जो इल्जाम की बुछाड़ कर रहे थे, पता नहीं अब ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं या फिर ये लीगल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के लीगल एनालिस्ट लग रहे हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इल्जामात के पीछे कोई हकायक आपके सामने आने चाहिए। अगर इस किस्म की आप गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की हम लोग मिल गए हैं और अदलिया सोई हुई है, पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, तो फिर आप शायद ये ताकत दे रहे हैं कि कल को यहां के बैंक्स भी कोई ले जाएगा, यहाँ के इंडस्ट्री को भी कोई छीन लेगा, इस मुल्क में कोई चीज चल नहीं सकती। आप तो इस एक लॉलेसनेस की ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ये दो पार्टियां मिल गई हैं और इनकी एक पार्टी हो रही है और ये पाकिस्तान को खा रहे हैं। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, जमहूरियत भी मजबूत हो रही है, आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट टेन्योर पूरे कर रही है, आपके मुल्क के अंदर मीडिया आजाद हुआ है, आप जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं ये कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता था, लेकिन ये कोई आजादी ज्यादा हो गई है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि लड़काना डेवलपमेंट पैकेज के लिए 90 अरब रुपए, अगर आपका जो है फैसले कर रही है, तो फिर आपको उन कोर्ट्स के जरिए प्रूव करना चाहिए कि ये दिस इज लूज टॉक। ये फलाना भी रिकॉर्ड जल गया, फलाना भी रिकॉर्ड जल गया, नंदीपुर के ऊपर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, उसकी जो जो उसके ठेके दिए गए वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास है, मेट्रो जो बनी है मतलब उसका ट्रांसपेरेंसी के पास रिकॉर्ड है। वो लोग गिरफ्तार हुए हुए हैं। पंजाब एक करप्शन फ्री प्रोविंस है, जहाँ से शुरू की थी कि जी पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और पीएमएलएन नजर नहीं आ रही है, चले एक लम्हे को मान भी लेते हैं डॉक्टर साहबा कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इनके मातहत आपने कहा इनका गुलाम है नैब जैसा इदारा, लेकिन आपको पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ क्या अशर किया उन्होंने, लेकिन आदिल गिलानी थे जो हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हमारे जमाने में, अब उनके पेड मुलाजिम है, बिल्कुल इनके पेड मुलाजिम के हक में सर्वेज आ जाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर सही बात है, डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, उनके हेड है अभी चू भी उनकी आवाज, ट्रांसपेरेंसी एक इंटरनेशनल ये इदारे खरीदते हैं, ये इंस्टीट्यूशन इल्जाम है। चले इन्होंने जो किया या नैब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती वो अपनी जगह, लेकिन सिंध में आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर ओवरऑल आपसे मैं बहुत न्यूट्रल ओपिनियन आई एम श्योर उस तरह से तो नहीं आएगा, पार्टी को भी आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन सिंध की हालत क्या बेहतर हो गई है वहां पे जो जो चीजें पहले जो साहब गिनवा रहे थे, दूसरा ये गवर्नेंस का इशू है, तो गवर्नेंस पे तो बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हो सकता है ना, कि वो गवर्नेंस जो आज पीएमएलएन कह रही है कि अरबों रुपया लगा दिया लेकिन इनके बैंकों में जाता है, इनके घरों से निकलता है, वहां सिंध की हालत नहीं बेहतर हो। मैं हम लोग और भी डिबेट कर सकते हैं, मैं बहुत सारी चीजें कह सकती हूँ जो पंजाब में केपी में नहीं हो रही जो होनी चाहिए, बहुत सारे इनके अस्पतालों के हालात सही नहीं है, सर्क्यूलर डेट जो कहते हैं हमने जी सारा एनर्जी प्रॉब्लम जो है हल कर दिया, 450 बिलियन का अब पीआईए के आप हालात देखें, पीआईए के जहाजों के आप हालात देखें, प्रीमियर वाला आप स्कैंडल देखें, मतलब अगर आप गवर्नेंस की बात करें तो ये दूसरा टॉपिक, अगर करप्शन देखें अभी ये जो अगर करप्शन ये ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे हक मिल रहा हो, जो ब्रिगेडियर साहब इनको भी ये मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी ने हर चीज फेस की है, आसिफ अली जरदारी साहब कोई 10 साल मींस लिटरली आपका और जो उनके प्राइम टाइम था वो जेल के अंदर थे, अगर सपोजिंग इन सारे चीजों में उन कन्विक्ट भी हो जाते तो 10 साल की सजा भी उनको ना लगती,
मतलब उससे भी उनको कम लगती. ही हैज स्पेंट हिज टाइम इन जेल फॉर व्हाट, फॉर व्हाट. नहीं ये, मुझे और कोई भी बताए, कोई भी पाकिस्तान का, और ये सिर्फ नहीं कि ये तो अब टॉप पॉलिटिशियन है, आप मुझे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बता दें, आप मुझे कोई फौजी बता दें जिसने एक साल भी, जनरल मुशर्रफ के पास अरबों रुपए कहां से आए, किसी ने कभी उनके अकाउंट्स खोले, क्यों नहीं खोलते. नैब फौजियों के और अफसरों के, और जो एक अफसर उन्होंने पकड़ा वो बलोचिस्तान का अफसर, उसके साथ भी उन्होंने मुआयदा कर लिया जाके प्ली बार्गेन. सो आप एक तो इसको प्रोपोर्शनलिटी, करप्शन हैज टू बी सीन इन अ पर्सपेक्टिव. ये आपको अगर करप्शन, आपकी पूरी मुहिम इसलिए फेल जाएगी अगर किसी को भी लगे कि फेयर डीलिंग नहीं है. आप फौजियों को इस्तेसना है, ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेसना है, सबको, पुलिस को इस्तेसना है, लेकिन सियासतदानों को इस्तेसना नहीं. कुछ सियासतदानों को ज्यादा इस्तेसना है, फौज को नहीं है, पीएमएलएन को ज्यादा इस्तेसना है, पीपीपी को कम इस्तेसना है, शायद लोगों ने करप्शन के लोग फारिग किए, मेडल प्रिविलेजेस वापस हुए. इस वक्त एक आपका सियासी कैदी है ना पूरे पाकिस्तान में, वो है डॉक्टर आसिम, उस पे भी खैर सारों को यकीन है, पहले जो साहब और ब्रिगेड साहब को कि वो जल्द द पॉइंट इज कि ये आप कह रहे हैं हम लोग तो केसेस में अंदर डूबे हुए हैं. ये चीजें औरों के ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहे. एक कोई भी फौजी अभी तक फेस कर रहा है कोई क्रिमिनल ट्रायल, कोई जनरल मुशर्रफ के जमाने में कम करप्शन थी, वो पैसे लेके सूट केस में जो हमारे वजीर आजम भाग गया है सिटी बैंक वाला, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई इंक्वायरियां हो रही. सबको, मैं तो कह रही हूँ कि सबको करें ना, नॉट डिफेंडिंग जो पीपल्स पार्टी में करप्ट है लेकिन औरों के साथ बता दें जिनको करप्ट बोला जाता है कि जी ये करप्ट है नहीं, बड़े फरिश्ता सिफ्त इंसान. मैंने ये नहीं कहा, अगर जो हाइप क्रिएट होती है वो यही बताया जाता है ना कि इसने इतने की करप्शन किया, या तो फिर साबित कर दें, बता दें कि वाकई करप्ट है. और अगर आप इक्वल डील करें तो लॉ शुड डील विद एवरीबॉडी इक्वली. अच्छा, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक से वापस आके तो थोड़ी सी इस हवाले से भी बात करेंगे, जो मर्दमशुमारी जो कि मुल्क में ऑलरेडी 19 साल के बाद हो रही है, उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी ने चैलेंज कर दिया है सिंध हाई कोर्ट में, और शफाफियत पर तहफुजात का इजहार किया है. इस पर भी जरा मेहमानों की राय जानेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद. पलीजो साहब, आपकी जानिब आएंगे कि ये जो मामला है मर्दमशुमारी का 19 साल के बाद मुल्क में हो रही है, पीपल्स पार्टी ने उसको चैलेंज कर दिया सिंध हाई कोर्ट में, वो कहते हैं शफाफियत बरकरार नहीं रखी जा रही है. एमकेएम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है इसी मामले पे कि जी शहरी इलाकों में जो सेंसस ब्लॉक्स हैं वो कम कर दिए हैं, तो ये तो ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल बनती चली जा रही है मर्दमशुमारी इस मुल्क में. देखिये सादिया, पहले तो पिछले सेशन में मुझे मौका नहीं मिला, एक छोटी सी बात कर दूं फिर इस पे बात करता हूं. देखिए, जो छोटा लाडला बिगड़ा हुआ बच्चा पालने की करप्ट, छोटा बिगड़ा हुआ लाडला करप्ट बच्चा पालने की हम कोशिश में ना, कि जो देही माँ होती है वो कहती है कि मेरा बच्चा फेल इसलिए हो गया कि टीचर खराब है, स्कूल खराब है, बाप ने प्यार नहीं दिया, मोहल्ले के बच्चे लड़ते हैं, इससे हम निकले. पीपल्स पार्टी के भाइयों को कहते हैं कि डेजर्ट में बच्चे भूख से मर रहे हैं, वो कहते हैं इजिप्ट में भी ऐसा होता है, कहे कि फला जगह पानी नहीं है, वो कहते हैं सूडान में भी नहीं है, धमाका हो गया, वो कहते हैं इस्तांबुल में भी हुआ था. उसके बजाय वो बताएं कि वो खुद क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की मिसालें ढूंढकर फकत ये ना कहें कि फला पंजाब में भी हो गया, मर्दान में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, ढाका में भी हो गया, इसलिए हमारे पास भी होना चाहिए. एक बात. दूसरी बात ये कि जो मर्दमशुमारी है इसमें सेंसस कमीशन में सिंध का नुमाइंदा कहां है, इसमें केपीके का नुमाइंदा कहां है, ये वफाक का सेंसस कमीशन है या एक सूबे का है. एक बात. दूसरी बात कि जब वफाक ने, सेंसस कमीशन ने, बाजवा साहब ने, कमीशन के सरबरा ने कहा कि पेंसिल से दर्ज नहीं होना चाहिए, तो पेंसिल से एदाद शुमार क्यों लिए गए. ये जो हाउस काउंट हुआ 3 दिन का, इसमें तो 40% मकान रह गए कराची के, देही इलाकों के, हैदराबाद के, घोटकी के और सेवन के. और फिर दूसरी बात ये कि हाउस काउंट में ये तमाम नतीजे इस्लामाबाद से अनाउंस क्यों होंगे, ये उस जिले के हेडक्वार्टर में अनाउंस क्यों नहीं हो रहे, और ये एदाद शुमार छुपा के जुलाई तक क्यों रखे जाएंगे, ये कौन सा सीक्रेट है बड़ा इंटरनेशनल जो छुपा के रखना है, इसको क्यों जिलों में जाहिर नहीं किया जाता. इसलिए खदशात पैदा हो रहे हैं कि शायद सिंध की तादाद को कम करने का पहले से प्लान बन चुका है, और डॉक्टर आसम की वजह से, अनवर मजीद की वजह से, अयान अली की वजह से, शर्जील साहब की वजह से पीपुल्स पार्टी कंप्रोमाइज कर चुकी है कि हम फकत बयान जारी करते रहेंगे, आप जो जी में आइए कीजिएगा, हम वो बिफोर यू करेंगे. बिल्कुल ठीक.
अच्छा उस पे बयानबाजी आपको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ वजूहात की, ये जो कह रहे हैं कि जी उसमें सेंसस कमीशन में सूबों के नुमाइंदे क्यों मौजूद नहीं है। देखें ये एक टोटल गलत रिप्रेजेंटेशन है। टोटल सेंसस सूबों में हो रहा है, पॉलिसी मरकज ने दी है, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, कमिश्नर्स डीसी की अपनी पावर है, कितने नुमाइंदे एसी की पावर है, नुमाइंदे कमीशन में कितने बैठे हैं कमीशन के नुमाइंदों ने कुछ नहीं करना, डाटा सूबों से आना है, कुछ नहीं करना, पटवारी वो हम तो टोटल करेंगे, आपका पटवारी इन्वॉल्व है, आपका एसी इन्वॉल्व है, आपका डीसी इन्वॉल्व है, सिर्फ पटवारी आपके हैं, अगला आपका है, टीचर्स आपके हैं, सारा आपने डाटा इकट्ठा करना है, लोगों ने वो इकट्ठा होके मरकज में आएगा अनाउंस होने के लिए। लेकिन आज ये लेकिन ये कह देना कि मरकज उसको मैनिपुलेट कर लेगा। आज जो फरतुल्ला बाबर साहब का बयान आया, जो एतराज था ब्रिगेडियर साहब, इस पे आपकी राय भी चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहसियत शहरी मर्दमशुमारी वालों को मैं जो अपना रिकॉर्ड फराहम कर रहा हूं तो मेरा भी हक बनता है कि वो मेरे पास भी हो, कल को ऐसा ना हो कि जो चीजें मालूमात मैंने बताई हैं वो चेंज हो के कुछ और बन के आई हो सामने। क्यों चेंज होंगी? देखिये जी ये चेंज होंगी साजे साहब, देखिए ये मेरा ख्याल है कंसर्न इनका परिजो साहब जो कह रहे हो पीपल पार्टी का कंसर्न जेन्युइन है और एमक्यूएम का भी, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कराची एक हसास मामला है, वहां पे डेमोग्राफिक जो है सूरत हाल बड़ी बदल चुकी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज है वहां पे, फिगर सही सामने आनी चाहिए। और जिस तरह माजी में फिगर्स की फजिंग होती रही है, अगर आपने फिगर्स की फजिंग करनी है कहीं पे बैठ के तो ये देखें बड़ा क्राइसिस हो जाएगा पाकिस्तान में। और याद रखें ये जो अपना सेंसस का रिजल्ट आना है इसके ऊपर आपकी फ्रेश डिलिमिटेशन भी होनी है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी है वगैरह वगैरह, अगले इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द सेंसस। तो मेरा ख्याल है इसमें अगर आपने प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड ना लिया, उनके रिजर्वेशन को एड्रेस ना किया इन टाइम, देखें एक साल से प्रोविंसेस ऑन बोर्ड है नहीं तो फिर ये कोर्ट में क्यों चले गए जी? फिर ये तो एक साल से प्रोविंसेस ऑन बोर्ड है नहीं, एक साल से ट्रेनिंग थी, एक साल से उनको फॉर्म्स दिए गए, हम वो फॉर्म यूज कर रहे हैं फॉर्म वो है जो 2000 पार्टी ने बनाए थे जी, और फॉर्म वो है, फॉर्म के अंदर वो जो ट्रांसजेंडर है उनका नहीं है, जो स्पेशल लोग हैं उनका जिक्र नहीं है, तो ये मतलब किस किस्म की प्लानिंग हो रही है इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान हो रहा है वो शो डाल रहे हैं। आपके जो सिख बिरादरी है उन्होंने भी एतराज कर दिया कि जी उनके लिए कोई खाना मुख्तस नहीं किया गया, बट डॉक्टर साहब ये जो कह रहे हैं कि जी नंबर फजिंग वगैरह, आपको लग रहा है कि उसके लिए तैयारी की जा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ या एमक्यूएम के खिलाफ, जो आप लोग अब अदालतों में जाना शुरू हो गए, क्या कर रहा है विफाक? देखिए पहले तो मैं अयाज लतीफ पलेजो के जो केयरलेस किस्म के रिमार्क्स हैं उसको कहूंगी कि सिंध जो है इस वक्त जो भी सूबाई हुकूमत होती है पीपल्स पार्टी की, हम हकीकी उन सूबों के इशूज जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं। नेशनलिस्ट ने और इस किस्म के इनकी तहरीकों ने कभी भी प्रैक्टिकली इशूज पर नहीं फाइट किया है। इस वक्त भी अमली कदम पीपल्स पार्टी ने उठाया है और कोर्ट में गए हैं जो भी खदशात हैं। देखिए कोई भी आखिरी दिनों के बाद कोर्ट में गए, उसके तीन आप, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं मुझे आप बोल रहे थे कैम्पलेस का लफ्ज यूज किया, आपको सूट नहीं करता कैम्पलेस का अल्फाज यूज करें, मैंने कहा केयरलेस, आई सेड केयरलेस एंड इट इज केयरलेस भी नहीं कहना चाहिए ना, इस किस्म के अल्फाज आप थोड़े से एहतरामन यूज करने चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए? इट इज केयरलेस। आपने पूरे सूबे को दांव पर लगा दिया है, सेंसस पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप कह रही है कि नहीं करना चाहिए, केयरलेस आपकी गवर्नमेंट है, आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, आप नहीं जा रहे, आप आखिरी दिनों में ड्रामे के तौर पर आप कोर्ट में गए, पहले चीफ के टाइम खत्म हो जाएगा ना, आप चीख लें फिर मैं बात करूंगी, चीखना कम। कोर्ट पे आप जा रहे हैं जब तीन दिन गुजर चुके हैं, पहले आप नहीं गए अदालत में, डेटा का बैठे आसम पे बात कर रहे हैं, आयान अली पे बात कर रहे हैं, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है, ये जो सेंसस के हवाले से थोड़ा चीख लें, थक जाए चीख चीख, नहीं इतने में टाइम खत्म, आप डिफेंड कर रहे किसी भी डेटा के लिए, आसम को अनवर मजीद को डिफेंड कर ले तो मैं बात करूं, किसी भी डाटा के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहली बात यह है कि वो क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो कोई भी सेंसस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपने देखा है कि चारों तरफ पीपल्स पार्टी की जो ये खदशात है ऑन द ग्राउंड वो ये है कि इस वक्त इसकी ट्रांसपेरेंसी का इशू है, ठीक है, उसमें काउंटर फॉल्स नहीं है, तो उसमें कई सारा कॉलम्स नहीं है, ये सारे खदशात है, अभी ये चीखना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिस्टम बनाया था, हम तो एक साल से सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में लगे हैं। बहरहाल अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी इसी तरीके से रही और अगर इसमें तो विफाक पे ही उंगलियां उठाई जा रही हैं ऑलरेडी।
जी ब्रिगेडियर साहब, क्विकली राणा साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि हम ये लूज बातें कर रहे हैं, आप सुप्रीम को हमारी बातें छोड़ दें, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखें जो चेयरमैन नैम के बारे में पिछले एक डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और वो बार बार बता रहे हैं कैसे कैसे। बहुत शुक्रिया पलेजो साहब, आप राना अफजल साहब का भी और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।